الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم سبحان ربك رب العزه أما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم कि ज़िंदगी के आखिर में एक वाक़ पेश आया जिसको आप हदीस की किताबों में हदीस ज़ब्रैल के नाम से जानते हैं एंड दिस इज़ अ मच लॉन्गर हदीस जिसमें नबी नबीत सलाम के पास सलाम इंसानी शक्ल में आते हैं एंड सहाबा कराम बैठे हैं एंड जबरील सलाम आके अल्लाह के नबी अल्ला से चंद अहम सवाल पूछते हैं जिसमें एक सवाल यह है कि ईमान क्या चीज़ है एक सवाल यह है कि इस्लाम क्या चीज़ है फिर एक सवाल यह है कि एहसान क्या चीज़ है और फिर आख़रत के बारे में पूछा जाता है एंड आखिर में आप सलाम जो है सहाबा से जब पूछते हैं कि ये कौन था तो सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह रसूलू आलम कि अल्लाह और उसके नबी बेहतर जानते हैं तो उस पर अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि जबरील सलाम थे और वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे तो इस हदीस को एक्चुअली उमुल हदीस भी कहा जाता है और ये बड़ी ख़ूबसूरत हदीस है अगर आप इसको तफसील से पढ़ें और इसमें आप ये समझो कि इन वन सेंस पूरे इस्लाम का एक ख़ुलासा मौजूद है सो इन इंग्लिश स्कॉलर्स विल बेसिकली सी दैट द हदीस ऑफ़ जब्राइल मेन्शनज़ ऑल इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ इस्लाम तो वह जो प्राइमरी इस्सम की डायमेंशनज़ हैं उनमें से एक तो इस्लाम ख़ुद है जिसमें आमाल का तल्लु है एक ईमान है जिसमें ईमानियात का तल्लु है जिनको आप आर्टिकल्स ऑफ फेथ कहते हो जो तीसरा सवाल पूछा गया रबाम से वह एहसान था ठीक है कि अखबर एहसानिया एहसान क्या है तो उस पर आप सल्ह वसलम ने जो हदीस में बताया वो ये था कि अब का अन का तरह कि अल्लाह रबालत की ऐसे इबादत करना जैसे कि तुम अल्लाह को देख सकते हो फिर आगे फरमाया कि अगर नहीं तो फिर कम अज़ कम ऐसे जैसे अल्लाह तुम्हें देख रहे हैं इसकी मुख्तफ फिर वर्जनस हैं तो ये लफ्ज़ एहसान है ये इस्लाम की एक डायमेंशन है हम इस लफ्ज़ को उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं इससे वाकफ़ हैं कि आपने मेरे ऊपर एहसान कर दिया अरे तो मैं आपका मशकूर हूँ अरबी ज़बान के एतबार से

आला सतह पे सर अनजाम देना राइट right? हर चीज़ को बेहतरीन अंदाज से सर अंजाम देना हर चीज़ को एट ए लेवल ऑफ एक्सेलेंस एट ए लेवल ऑफ़ परफेक्शन कोशिश करने की कोशिश करना सो so, एक्चुअली ये वो डायमेंशन है इस्लाम की जो आपको ये नहीं बता रही कि आपने करना क्या है बट बत ये बता रही है कि जो भी कर रहे हो उसको इतना ज़बरदस्त करना है कि दुनिया में कोई जो है ना उस जैसी चीज़ ना कर सके दैट इज़ हाउ योर गोल शुड बी सो इफ यू आर अ स्टूडेंट यू आर डैम गुड एट इट If you were a believer, you're really good at it, right? You're giving your all. If you're doing business, you're doing it in an amazing sense. And one of the biggest problems that we have now with the youth and in this country is this that people have stopped doing ahsan. People have stopped doing and yearning for that excellence. And you know, it's a that excellence is notion ye hai ke when you do something with excellence, automatically you paida hota, uske beauty. Paida ho jati hai. Hai? And that beauty, मेक्स इट अट्रैक्टिव आई गिव एन एग्जाम्पल अभी ये जब टॉपिक आपका सिलेक्ट हुआ कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ अ चैम्पियन तो ये हमारे हेड ऑफ ऑपरेशन मीडिया अरसलान ने कहा आप करें तो मैंने क्यों करें तो उन्होंने कहा कि बिकॉज वो क्रिकेट मैच भी है ठीक है तब नहीं पता था हम हार जाएंगे तो उनका उसको भी रिलेट करें और वो करें राइट तो अब वो रिजल्ट के लिहाज से बयान भी चेंज हो सकता है राइट बट यू नो सो लेट्स लोग टॉक अबाउट क्रिकेट बिकॉज आई थिंक वी वॉल थो डू एक्सपोज टू क्रिकेट इन द पास्ट फ्यू वीक्स एंड वैन वैन समबड़ी प्लेज एट लेवल ऑफ एक्सेलेंस यू आर अट्रैक्टिव टू दैट आई मीन इवन इफ यू डोंट लाइक क्रिकेट बट यू सी समली हिट अट और बॉल एन अमेजिंग बॉल राइट तो उस एक्सेलेंस को इन स्विंगिंग य है आप देख के खुश होते हो फेडर जो है ना टेनिस में शॉट मार रहा है आपको टेनिस का कोई शौक नहीं है बट एन यू सी दैट रैली एंड यू सी के हाउट्स दैट पॉइंट इट इट जस्ट अमेज यू यू सी मेसी केक अ बॉल विच सी मेरास और वो गोल हो जाता है या आप किसी भी स्पोर्ट्स में देखते हो सो ये एक्चुअली अल्लाह रबुल्ज़त ने इंसान के अंदर एक चीज़ रखी है कि ख्वाह वो एहसान और एक्सेलेंस दुनिया का हो या दीन का हो उस एक्सेलेंस में हुसन एम्बेड है ठीक है उस एक्सेलेंस में हुसन इम्बेडेड है इंसान उस चीज़ की तरफ ख़ुद खिंचा चला जाता है राइट और एक वजह ही ये है कि आज हम जब दुनिया से अट्रैक्ट होते हैं तो उसकी वजह यह है कि दुनिया के बहुत सारे शोबों में स्पेशली जो मीडिया पे डिपेक्ट किया जाता है बहुत चीज़ों में एक्सेलेंस है राइट तो देखो जब आप क्रिकेट देखते हो तो आप में से कोई भी सेकेंड थर्ड टीयर लीग की क्रिकेट नहीं देखने में इंटरेस्टेड आप वो क्रिकेट देख रहे हैं जो टॉप नॉच ऑर्डर की क्रिकेट है जब आप फुटबॉल देखते हैं तो आप थर्ड डिवीजन प्रीमियर लीग नहीं देखते आप वो देखते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स जो हंड्रेड मिलियन डॉलर्स के उनको देख रहे हो राइट right? इसी तरह जब आप बिज़नेस या फाइनेंस देख रहे हो तो आप फॉर्चून 500 कंपनीज़ को देख रहे हैं राइट और आप उसको देख आप यूनिवर्सिटी देखते हो तो आप बेहतरीन चीज़ की तरफ़ देखने की कोशिश करते हो बट अफसोस ये है कि हम दीन में बहुत सारी दफ़ा वो एक्सपोजर हासिल नहीं कर सकते अब नबी आलाम की एक और हदीस को देखें क्या आपली वसम ने फरमाया मिनहसन इस्लामरी तरक हमाल यानी कि मिनहसन इस्लाम हुसन इज़ अगेन द सेम वर्ड हासीन नून राइट हम नाम भी रख रहे हैं हसन हुसैन हसीन तो वही लफ्ज़ आ गया कि एक शख़्स के इस्लाम ईमान की जो खूबसूरती है उसका जो हुसन है वो किस चीज़ में लाए करता है तरकुहु किस को कहते हैं तर्क करना छोड़ देने को ठीक है उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है राइट तर्कहू माला यानी कि वो छोड़ दे उस चीज़ को जिसका उससे ताल्लुक़ नहीं है तो द प्रोफे इज सेंग दैट तुम्हारा ईमान तुम्हारा इस्लाम खूबसूरत किससे होता है उसमें एक्सेलेंस कैसे पैदा होता है कि तुम वो छोड़ दो वो चीज़ें ठीक है उनके बारे में बात करना परवाह करना सोचना उनको टाइम देना जिसका तुमसे ताल्लुक नहीं है सो नाउ यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड जो लफ्ज़ है ना तर्कहू ये एक्चुअली आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा है किस किसटेड नो वो चैम्पियन इज इज फोकस्ड कि अपने काम से काम रखो ना दिस इज नॉट के इट्स अबाउट द फैक्ट कि यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड यू आर फोकस्ड यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड यू आर नॉट कंसर्न विद इलेवेंट मैटर्स आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो इफ़ यू कैन डू दैट अबाउट एनी थिंग इन द वर्ल्ड यू आर एंड फॉर ग्रेटनेस राइट बिकॉज आप आप कितने सारे अच्छा अपनी जिंदगी का जायजा ले लें जब हम किसी चीज़ में स्लैक करते हैं उसकी वजह क्या है लैक ऑफ हार्डवर्क लैक ऑफ फोकस बींग डिस्ट्रैक्टेड अब बच्चों को देखें ना पढ़ाई करने का कह रहे हो हर पाँच मिनट में पा कोई और दिमाग कहीं और चला जाता है गेम्स की तरफ़ जा रहे हैं जो भी अट्रैक्शन है उनकी तो फोकस ना करना एहसान को रिमूव कर देता है नबी नवेलम हदीस में यही बात बता रहे हैं कि इस्लाम की परफेक्शन भी जो है ना उसकी खूबसूरती उसका एक्सेलेंस वो लाए इस बात पे करता है कि आप गैर ज़रूरी चीज़ों की फ़िक्र करना छोड़ दो अब वो गैर ज़रूरी चीज़ों की फ़िक्र आप देखो कितनी तरह से मैनिफेस्ट होती है हर बात पर हमें तबसरा करना है हर बात पर अच्छा लोग इस्लाम में आते हैं तो पीपल विल पिक ऑन इन वन सेंट आई एम सेइंग दिस द मोस्ट इरेलीवेंट कॉन्टेक्स्ट टू देयर स्पिरिचुअलिटी टू टॉक अबाउट इस्लाम सो यू नो आपको नौजवान हर जगह मिल जाएंगे कोई कंटेम्पलेशन हो रही है कि जी द कब आएगा बाय का वट इज़ दैट गॉट टू डू विद यू राइट वॉट विल हैपन है इस्लाम कम्स क्या दा यही फजर पड़ी नहीं जा रही राइट right? हफ्ता हो गया कि मस्जिद चक्कर नहीं लगाया था अमल कोई है नहीं अल्लाह ताला से मांगा नहीं है टेंशन द की पड़ी हुई एज इफ़ कि आपने जाना है उसको रिसीव करने के लिए और को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है सो आई नॉट सेइंग दैट्स नॉट वी हैव टू नो ये हमें अहादीस में बताया गया दज्जाल है इन फितनों को समझना है मुख्तु चीज़ों को पढ़ना है बट दिस इंटेलेक्चुअल ग्रेटिफिकेशन दैट वी वॉन्ट फ्रॉम दीन इज वेल ये सहाबा का मिजाज नहीं था राइट right? अब इस अच्छा आप इसको ऐसे समझो एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए तो वो हमें एक बड़ा शौक़ होता है ना कि क्यामत कब आएगी द कब आएगा ये सारे सवाल ठीक है तो उन्होंने सवाल पूछा कि यार रसोल्ला क्या मत कब आएगी अल्लाह के नबी वॉबली मोस्टली द मोस्ट यानी द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ पीपल द प्रॉफिट सेज समथिंग सो अमेजिंग टू हिम ही यजन टेल हिम कि कब आएगी ठीक है अच्छा डजन इवन कंडेम हिम कि ये कैसा सवाल है ठीक है बट द प्रॉफिट सेज़ टू हिम वट इफ यू प्रिपेयर फॉर इट तो आप सोचो ना कि यूर आस्किंग और कब आएगी अल्लाह के नबी आपको काउंटर क्वेश्चन करते हैं तो वो सहावी अचानक ही सी स्टैंड तो मेरे पे सवाल आ गया तो अल्लाह के वो सहाबी खामोश होते हैं कि या अमल, right? कि मेरे पास ज़्यादा अमल नहीं है बट आई लॉट ऑफ लवर अलमर उदीन खलीलि के इंसान उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है सो इट्स इट्स रियली अजीब कि सलाम कॉन्वर्सेश को किस तरह फोकस में कन्वर्ट कर दिया करते थे कैसे सहाबा की उस पॉजिटिव ट्रेड को बाहर निकालते थे जो कि उनको खुद भी नहीं नजर आ रही होती थी कि उनके अंदर एम्बेडेड है तो हम सब को जो पहली बात समझनी है जो मैंने हदीस आपके सामने रखी उससे कि हम सबको वी हैव टू बिकम पीपल ऑफ फोकस लाइक वी हैव टू हैव अ गोल इन लाइफ राइट एंड हमें उस गोल को अचीव करना है और वो प्राइमरी गोल आई मीन सेटिंग हेयर वो दीन हो सकता है सो यू नो यू आस्क पीपल अराउंड यूर सेल्फ़ क्या अचीव करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ वट एवर यूर अ मुस्लिम a lot of people will look at you as if you kya matlab kya achieve karna chahte because have kabhi socha so nahi i remember i think a yusuf weythe, pakistan and i had the honor to sort of host him for several days and he, he said an amazing thing when he was speaking to our AISL students he said that do you realize that imam bukhari before he became imam bukhari right was an average person Ek शख्स जो पैदा होता है इल्म हासिल करना शुरू करता है तो आप ये सोचो कि इमाम बुखारी के जो क्लास फेलोज हैं जो उनके पियर्स हैं जिन्होंने शायद उनके साथ मदरसे में पढ़ा उनके साथ खेला भी उठे बैठे भी ठीक है वो तस्वूर कर सकते थे कि ये शख्स हमारे साथ जो बैठा हुआ है ठीक है ये क्या चीज़ बन जाएगा बटन इज एन एट अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ द लेंस दैर वेंट टू दैट आज एवरीबडी थिंग्स दैट इस्लाम प्रोबली इज़ नॉट कम्प्लीट एंड टू टेक इमाम बुखारी इज नेम बिकॉज ऑफ दर्विस पड विद दैट ग्रेटनेस दी ओनली डिफरेंस इज दैट वी स्टॉप बिलीविंग इन दैट वी स्टॉप बिलीविंग दैट मैं तो इसको ऐसे भी समझ रहा होता हूँ कि एट टाइम्स आप जब लोगों से मिल रहे होते हैं आप जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी कंपनीज हैं वेल टू डू एवरेज पीपल कोई ख़ास लोग नहीं है किसी को कोई सुरखाब के पढ़ने लगे हुए ठीक है आम घरों से आ रहे हैं कुछ देर एफ़र्ट की कुछ चीज़ों में मेहनत की अल्लाह ताला रास्ते खोलते चले गए और दुनिया में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें अचीव चीज़ कर ली जिसको हम इतनी दूर से देख रहे होते तो ये तो दुनिया का मामला है दीन तो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि उसमें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद जो है वो बहुत जिसे कहते हैं ना और भी ज़्यादा तेज़ी से आती है बट उसके लिए फोकस चाहिए उसके लिए वो यर्निंग चाहिए वो विजनिंग चाहिए कि आप उस चीज़ को सी थ्रू कर सको राइट आप उस चीज़ को सी थ्रू कर सको वाई कैन वी नॉट बिलीव एंड इट हैज नथिंग टू डू विद अमल इन द फर्स्ट सेंस ऑफ दर्ड आई मीन से कि सर आप ये सारी बातें कर रहे हैं तो आई एम स्ट्रगलिंग विदाइज एंड वाजबात बट लेट मी टेल यू दैट स्ट्रगल द रेस्ट ऑफ योर लाइफ दैट स्ट्रगल एंड इट इज देयर फॉर दुलमा द मशाख दौलिया एवरीबडीज देयर स्ट्रगल इफ़ यू थिंक पीपल डोंट हैगल जिनको आप नेक मुत्तगी समझते हैं तो आप उनको न समझ रहे हैं हमारा अकीदा है कि कोई शख्स जो है ना वो मासूम अनिल ख़ता नहीं है यानी हर शख्स के अंदर ख़ता मौजूद है ख़ता के मानी गुना है अब किसी के अंदर इबादत का गुना होगा अख्लाक का होगा कोई और चीज़ होगी कोई मामला में कमी पेशी करेगा ये अल्लाह और उसका मामला है एज़ लॉन्ग एज़ वो हम्बल है अल्लाह से मांग रहा है तो अल्लाह उसका मामला ठीक कर देंगे सो मुझे और आपको तो सिर्फ़ अल्लाह ताला को अपने आप को पेश करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप मुझे ये सादत दें कि मुझसे दीन का काम लें मुझसे जो है ना आप इस सारी चीज़ को वो करें आपका ये जो पूरा आजकल स्टार्टअप कल्चर है ये क्या चीज़ है स्टार्टअप कल्चर के पीछे जो मैंने समझा एक फंडामेंटल बात ये है कि कोई भी लोग जो हैं वो आते हैं और वो माशरे में एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत आई मीन I mean, मिसाल के तौर पर ऊबर और करीम आया और उन्होंने देखा कि यार माशरे में ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को किसी तरह बेहतर किया जा सकता है

सो so, हमें याद ये रखना है कि अल्लाह ताला इस चीज़ पे बिकॉज अगर इंसान एहसान पैदा कर ले एक्सीलेंस की तरफ चल जाए बहुत कुछ अता करते हैं बहुत कुछ लेकिन डिस्ट्रैक्शन क्या बन जाती है यू आर नाउ लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ इंसान को हर चीज़ का रिज़ल्ट इंस्टेंट चाहिए होता वी आर ऑब्सेस्ड विद इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन राइट सो वी आर ऑल थिंकिंग कि हमें फ़ौन वैलिडेशन मिले फ़ौर हमें जो ना रिज़ल्ट नज़र आए वो चाहे नंबर ऑफ व्यूअर्स से हो थम्स अप करने वाले लोगों से हो लोगों की तारीफों से हो तमाम जिन चीज़ों से हो बट दीन का मिजाज इस मामले में बहुत मुख्तलिफ है अल्लाह ताला इंसान को ठहराते हैं और अल्लाह रबुलजत इंसान को एक वक्त के गुजारते हैं एंड इवन बाई दे योर वेस्टर्न सेक्युलर साइंस से डेट फॉर अस्टर एनी स्किल रिसंट हीज टू गि एट लीस्ट टैन थाउजेंड मैन to टू बी एबल थाउजेंड मैन आवर्स इज इफ़ यू वर्क आउट स्ट्रेट इट्स 416 डेज अगर आप 24 घंटे काम करें तो जस्ट इमेजिन एंड द वे दैट्स ट्रू। आई मीन जस्ट सिट विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ठीक है एंड पूजो से कितनी उसने प्रैक्टिस की है बॉल को मारने की इतनी की है कि जितना आप और मैं उतना अगर हमने अल्लाह अल्लाह किया होता ना तो आज हम भला चीज होते राइट right? उतनी हमने किसी भी चीज़ में कोशिश की होती सो so हम बहुत जबरदस्त चीज होते सो द सैड पार्ट इज वी सी द ग्लैमर ऑफ इट वी सी द फैट के एक फुटबॉलर है वो क्या ज़बरदस्त गोल कर रहा है इतने मिलियन पाउंड का ख़रीदा जा रहा है ऐसे उसकी जो है ना एवरेज वेज मंथली ये है वीकली ये है उसको पाकिस्तान के रुपीस में कन्वर्ट करो तो लगता है कि यार क्या ही जिंदगी होगी वॉट यू स्टिल डोंट सी बाय द वे इज़ द फैट के देर इज़ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन दट देव टू गो थ्रू मैं तो पहले भी कहती हूँ ये आप बिकॉज फुटबॉल का मुझे कुछ थोड़ा बहुत पता है पहले से कि ये आपके जो फुटबॉल के प्लेयर्स हैं इनकी सिर्फ अगर आप डाइट देख रहे ना आप मर जाओगे और जो इनकी वर्कआउट स्केड्यूल्स है ना मर जाओगे यानी उतना हम फजर भी नहीं उठते जितना इनको उठा के भगाया जाता है रोज और खाते ये कोच की मर्जी से तो वो हजारों पाउंड कमा के अगर खानी जो है ना वो कच्ची सर्दी है तो पीज लेकिन वो जरूरी है वो आप ना करो तो आप खत्म हो जाते हो सो आप तो वो एंड प्रोडक्ट देख रहे हैं कि वो आया और उसने नवे मिनट में दो गोल कर दिए और फिर बड़ी वाहवा भी हुई उसके पीछे बहुत सारी एफर्ट बहुत सारी एफर्ट है सो दीन के पीछे भी बहुत सारी एफर्ट दरकार है और उस एफर्ट के बग़ैर हम ये दीन नहीं कर सकते बट हम वो एफर्ट तब करेंगे ना जब हम मकसद सामने रखेंगे तो आप बच्चे या जो लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं किताब तो में से अक्सर को मैं देखता रहता हूँ एक इरादा करो कि यार हमने कुछ करना है दीन के लिए राइट और हमने इस दीन को अपना समझना है अपना अपनाना है और हमने अल्लाह से मांग के चलना है एंड आपको क्या पता कि अल्लाह ताला कैसे जो है ना आपके इरादे को किस एतबार से कबूल कर ले राइट एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी पैथ उस रास्ते में बहुत सारे हिकअप्स आएंगे बहुत सारी दफ़ा आपको लगेगा मुझसे नहीं हो रहा ठीक है मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है आई एम प्रोबली नॉट फ्रॉम दैट सेम लीग आई डोंट हैव दैट बट यू हैव टू कीप गोइंग सो आई ऑलवेज से पीपल दैट यू नो वी ऑलवेज हैव टू चॉइसेस आई टू गिव अप और टू डाई ट्राइंग आई वोट टू डाई ट्राइंग नो मैटर हाउ पथेरे एम मैं जितना भी बुरा हो जाऊँ मुझसे फराइज भी ना पूरे हो रहे हूँ गुनाह में मुलविस हो जाऊ आई वॉन्ट टू डाई बिकॉज अल्लाह को वो तो पेश कर सकेंगे ना और तो कुछ पेश ही नहीं बिकॉज गिव अप का तो मतलब है कि यू आर हेडिंग स्ट्रेट फॉर जहन्नुम मायूसी है वो वो कुफर है एक्चुअली सो so, मेरे पास ऑप्शन ही है कि, कि जो थोड़ी सी जिंदगी बच गई है मैं उसमें पूरी जान लगा दू टूटा फूटा जैसा भी हूं मैं बस उसको वो दे दू एंड आपको ये सिफत सह कराम में नज़र आएगी राइट right? आपको ये सिफत सह कराम में नज़र आएगी तो चंद स्टेप्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इनफैक्ट पाँच चीज़ें हैं जो होनी चाहिए एंड मैं समझता हूँ कि अगर हम प्रैक्टिकली वो चीज़ अपने अंदर पैदा कर लें प्रैक्टिकल सी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं कि हम अपने आप को कैसे जो है ना वो एक चैम्पियन वाले जो ट्रेड्स होते हैं किसी भी चीज़ को मास्टर करने के लिए वो दिन में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं सो so, पहली चीज़ ये है टू हैव ट्रू तलब तलब समझते हैं सारे ठीक है यर्निंग अरबी में एक वो बड़ा मशहूर जो है ना कॉल है कि मन तलबा फ़कद व जदा कि जो शख्स तलब रखता है वो ज़रूर पाता है ठीक है बट तलब इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल कि इंसान का दिल उस चीज़ को चाहे बट आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट यू ऑल अंडरस्टैंड आई टू टॉक अबाउट फैक्ट कि अलाट ऑफ टाइम्स हमारे दिल में दीन के लिए वो तलब ही नहीं होती क्या ऐसा ही है ना लेट्स बी ऑनेस्ट बहुत सारी दफ़ा हमारे दिल में दीन की वो तलब नहीं एग्जिस्ट करती चाहे वो अपनी ताती नमाज़ को ठीक करना है या दीन के लिए कोई फिक्र करना है बहुत सारी और चीज़ों की तलब है किसी का दिल कर रहा है हॉटस्पॉट जाके आइसक्रीम खाने की तलब है कॉफ़ी पीने की जर्निंग हो रही है इतने अच्छे मौसम में एक तलब है राइट नॉर्थ जाने का दिल कर रहा है एक तलब है ठीक है दोस्तों के साथ टर्की जाने का दिल कर रहा है एक तलब है जो भी कई बाहर जाके खाना खाने का दिल कर रहा है कोई नया रेस्टोरेंट खुला था ऐसा तलब राइट हमारे अंदर दीन की तलब नहीं होती एंड यू हैव टू रियलाइज़ कि तलब पैदा कैसे होती है एक बड़ा सिंपल सा जो वो है ना फार्मूला तलब का तलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एक्सपोजर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एक्सपोजर से जिस चीज़ को आप रिपीटेडली एक्सपोज होते हैं आपकी तल, आपके दिल में उसकी तलब पैदा होना शुरू हो जाती है या आप अपनी ज़िंदगी में जायजा लगा के देख लो सो so, मिसाल के तौर पे इफ़ यू हैव फ्रेंड्स जो हर वक्त जो है ना सेट की बात कर रहे हैं शोज़ को डिस्कस कर रहे हैं आपको कुछ भी नहीं कह रहे ठीक है बट आप उनके साथ बैठे हुए हो नेचुरल सी तलब पैदा होना शुरू एक क्यूरियोसिटी एक तलब एक यर्निंग होती है कि अच्छा मैं भी देखूँ ये क्या चीज़ है जो हर वक्त बात कर रहे होते हैं राइट आई वन गो सी इट और इंसान बहुत इंप्रेशनेबल है आप इसको पीयर प्रेशर कह दो जो मर्जी कह दो बट इट प्रोड्यूस अर्निंग इन साइड ऑफ यू राइट मुझे याद है मैं फुटबॉल तो खैर तेरह दोस्तों से लिया मुझे टेनिस बड़ा विजिबली याद है ए लेवल्स की बात है कि मैं कभी ये नहीं जहमत ही नहीं हुई कि टेनिस को पसंद करने की बट कुछ दोस्त थे उनको पसंद आ गए एक दफ़ा मैं उनसे बैठा एंड वही एंड्रे एगे ही होता था पता नहीं वो उसका कोई मैच लगा हुआ था और मैच बड़ा फिट था उसके लिए टेनिस पसंद आ गई क्या बड़े मज़ेदार गेम है अब वो क्या है कि एक्सपोजर टू टेनिस पहले कभी तोज्जो नहीं दी थी उस चीज़ की तरफ अब आप खातन में सिस्टर्स डाउन स्टेयर्स अगर आप सादा तबीयत भी है ना बट पीपल अराउंड यू आर टॉकिंग अबाउट मेकअप ड्रेसिंग लुकिंग नाइस आपके अंदर भी वो तलब पैदा हो जाती है जब आप वो सारी चीज़ें देखते हो अभी जितने ये जितने आपके मॉल्स हैं पाकिस्तान में अब रिसेंटली मॉल्स आ गए हैं पैकेजेज़ हैं वो ये क्यों इतने मुजयन हैं ये इतने खूबसूरत क्यों हैं दुबई स्टाइल क्यों बनते हैं बिकॉज आप लेने एक चीज़ जाते हो वो तलब आपके अंदर पचास चीज़ों की पूरी कर देते हैं वो हिर्स ख़त्म ही नहीं हो रही होती कभी राइट सो यू हैव टू अंडरस्टैंड के तलब का ताल्लुक एक्सपोजर से है सो नाउ अंडरस्टैंड वट है अल्लाह व ताली ने अम्बिया को भेजा ही इसलिए था कि हमें वो एक्सपोजर मिले और हमारे दिलों में वो तलब पैदा हो कि नबी उस किताब को ज़िंदा करके जी के दिखाते थे और उनकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होती थी कि लोग खिंचे चले जाते थे उनकी तरफ़ यानी आप सोचो कि तुफ़ैल बिन आमिर दोषी कह रहे हैं कि मैं मक्के आ रहा हूँ और ये मुशरक़ शख्स है राइट और मैं हज के लिए आ रहा हूँ मुझे बाहर कोई कहता है कि हमारे शहर में मजनून शख्स है उसकी बात ना सुना तो मैंने कानों में रुई डाल दी और जब मैं तवाफ़ कर रहा हूँ तो मेरी नज़र

एक ये है कि मैं उसको फुटबॉल का कोई ज़बरदस्त मैच दिखाता हूँ कुछ गोल दिखाता हूँ एक ये है मैं फुटबॉल खेलने का मैन्यल ला के उसको पकड़ा देता हूँ कि बेटा पढ़ लेना देखना शौक पैदा हो जाएगा तो कभी भी उसको शौक पैदा नहीं होगा राइट वो तो, तो देख के समझेगा तो इसी तरह से एक्चुअली दीन सिर्फ पढ़ने से नहीं आता दीन देखने से आता है समझ आती है इंसान को एक्सपोजर होता है सो इस वजह से फिर आपको मशाइ और उलमा ये बात कहते हैं कि अपने आप को अच्छी सहबत अच्छी मजालस में डाला करें कि जहाँ इंसान पॉजिटिव देख के उसके अंदर वो तलब पैदा हो सके बिकॉज़ वो एक नेचुरल प्रोसेस है अल्लाह ताला ने आपको क्रिएट मुझे और आपको क्रिएट ऐसे किया कि हम उस चीज़ से इंस्पायर हो सकें ठीक है उस चीज़ को वो देख सकें और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उस चीज़ का राइट कि येस वी वॉन्ट सो डू दिस कि कैसे जो है ना आप उसको मैंने पहले भी बताया मुझे ये बड़े मशहूर कारी हैं कुर्दी ठीक है आई थिंक इज अ अरब में कहाँ से मुझे याद नहीं है तो, तो उन्होंने उनकी उनकी वो किसी ने शॉर्ट फिल्म बनाई है विच इज़ इट्स अ क्रिएशन ऑफ़ हाउ ही वॉज एज अ चाइल्ड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग यू गेट चांस टू सर्च रा लाइफ स्टोरी राइट एंड इलका सब टाइटल्स इंग्लिश में बाकी वो किरकोश और अरबिक में है सो so, बट वो बहुत इंस्पायरिंग है दस पंद्रह मिनट की है तो स्टोरी पार्ट जो तो सर सात आठ मिनट का है एंड इट जोज हिम एज़ अ चाइल्ड इन दट परजन कल्चर एंड कैसे जो है ना उनके वालि उनको कैसेट देते हैं कारी अब्दुल बासित की और फिर वो उसको मश करते हैं और वो हाउ ही बिकम्स दिस ग्रेट कारी दैट ही इज़ टूडे माशा एंड वो बहुत यनी वो सीनीटिकफेक्ट्स भी उसके बहुत ज़बरदस्त हैं और इट्स लाइक अ ग्रेट इस्लामिक सेवन एट मिनट एंटरटेनमेंट एंड आई रिमेंबर आई शोड इट टू माई डॉटर दो तीन साल पहले शीज सेवन और सिक्स राइट एंड बाई द एंड ऑफ इट सी सैट बाबा मैंने भी ऐसे बनना है राइट बिकॉज कुरान तो पहले ही पढ़ रही है कारी साहब से बट वो इतनी इंस्पायरिंग लगी उसको भी कि वो अपने एज के एक बच्चे को देख रही है और वो देखती है कि कैसे जो है न उसको कुरान भी सुन रही है साथ साथ तो वो विजुअली एक चीज़ को उसके एंड तक देख रही है तो दैट्स वट द यूथ इज मिसिंग टूडे हम जो रो रहे हैं कि यार यूथ खराब है यूथ खराब है यूथ बेचारी कैसे ठीक हो जब यूथ के पास रोल मॉडल्स ही एग्जिस्ट नहीं करते आप सोच रहे हैं आप सोच रहे हैं कि आपके यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जो लोग जा रहे हैं ठीक है वो हम सौ दफ़ा उनको सारा दिन बैठ के गालियाँ देते रहते हैं ड्रग्स कर रहे हैं जी ऐसे हो गए एल जी पी टी की हो गया अफेयर्स में है ये मसला है वो मसला है इंस्टाग्राम पर पड़े रहते हैं ऑल दैर इज़ फाइन बट वेयर डिड वी गिव दैम अपॉर्चुनिटी कि वो कह सकें कि हाँ यार ये ये एक पैरल बेहतर लाइफ स्टाइल था वो तो रिलेट ही नहीं कर पा रहे दीन से द रिलीजन इज़ बिकमिंग इनक्रीजिंगली इेलिवेंट फॉर दैम रिलीजन सिर्फ शादी के वक्त याद आ जाता है या माँ बाप ने जब इताद करवानी होती है तब याद आ जाता है ठीक है या बस जब जुमे के दिन या ईद वाले दिन या किसी अजतमा के दिन याद आ जाता है तो वो क्यों करेगा दी और दूसरी ज़िंदगी इतनी रिलेटेबल है उस बच्चे के लिए इतनी उसमें अट्रैक्शन है तो वो उधर फंस रहा है तो वट एम आई ट्राइंग टू से कि रोल मॉडल मेरे सामने बैठे हुए तुम्हें सबको ये बात माननी है कि तुम लोग रो रोल मॉडल बनोगे और मुझे भी माननी है और कोशिश करनी है। डिस्पाइट आर सेंस डिस्पाइट आर शॉर्ट कमिंग्स हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आप हमें ये सिफत अता करे कि हम जो है ना इस चीज़ तक पहुंच सकें एंड यू नो हर शख्स का एक अलग फ्लेवर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे क्या काम लेंगे कैसे वो अल्लाह का काम है आई I मीन mean, हसान साबित ने अबू बकर बनने की कोशिश नहीं की कभी हसान इबन सबित शायर रसूल रहे एंड उमर भी कभी अबू बकर नहीं बन सके सईदना अली की एक अपनी शान है राइट right? अब इब्ने ने की अपनी शान है सो यू ऑल हैव कि अच्छा दीन करना का मतलब ये है कि मैं कल से फिर जुमे का बयान देना शुरू कर दूँ या yeah, मैं भी डब्ल्यू एस डी शुरू कर दूँ या hmm? yeah, कोई भी और चीज़ शुरू कर दूँ और मे बी अल्लाह इज डेस्ट यू फॉर ग्रेटर थिंग्स बट देट तलब हैज भीर दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड तलब कम्स थ्रू एक्सपोजर पॉजिटिव एक्सपोजर वीर सो एक्सपोज टू दुनिया दिन एंड आई एल टेर यू दिस वन थिंग माई द वे के डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ आई एम सेंग इन दर्ड ठीक है कि इफ़ यू कम हेयर टू लेसन टू अर टॉक मतलब आपको ज़रा खैर दे और मतलब आपको मेरे शर से भी बचाए सेनवनली गो टू अदर पीपल इज वेल गो टू अदर स्कॉलर्स जो बरहक दीन की बात कर रहे हैं बिकॉज आपको उस डाइवर्ट हो सकता है आप वहाँ जाके नहीं 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 हमें मज़ा नहीं आया बट स्टिल यू वे लर्न समथिंग फिर भी आपको कोई अच्छी बात सीखने को मिलेगी कुछ ना कुछ पता चलता है इंसान को राइट right? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इंसान जो है ना मुख्तलिफ उसको देखे उसमें से अखलास वाली चीज़ ले एंड यू नो ये जो एक फियर है ना कि नहीं मैं गुमराह हो जाऊँगा नहीं गुमराह हो गया यार ठीक है हाँ मैं नहीं कह रहा कि रैंडम हर जगह जाके ऑडिट करते रहो पहले तहकीक करो जहाँ जिनकी आपको बात अच्छी लगती है कुरान सन्नत के मुतब है बट होगा ये कि अगर आप मुखलस हैं ना आपके उस सफ़र करने में अल्लाह बरकत रखेंगे ये इंग्लिश वाला सफर नहीं उर्दू वाला सफर है राइट तो आओ आहुजा आप चल के जा रहे हैं आपको पता चलता है कि यार कोई स्कॉलर है अमेरिका से आ रहे हैं और इस्लामाबाद में डॉक दे रहे हैं। जाओ क्या इशू है जाने में अगर वसाइल है हिम्मत है जाके देखो अल्लाह की कसम कैसे जो तुम पंद्रह मिनट की ड्राइव पे इधर आ जाते हो ना ठीक है और बयान इधर भी घंटे का होता है और उधर भी एक ही घंटे का बयान होगा बट आप पांच घंटे ड्राइव करेंगे मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ उस पांच घंटे में आपको बहुत कुछ मिलेगा जो शायद इधर नहीं मिल सकता बिकॉज उसके पीछे कुर्बानी बड़ी है सो so, वो एक चीज़ है जो कि हम सबको अपने अंदर यर्निंग पैदा करनी है तो so, अल्लाह ताला से ये चीज़ मांगनी चाहिए अच्छा जब तलब पैदा हो जाती है सो बाय द वे आई थिंक अ लॉर ऑफ़ पीपल जब भी हम किसी बयान में बैठते हैं या कोई इंटरनेट पर शॉर्ट क्लिप देख लेते हैं या कोई भी वाक्य होता है तो हमारे अंदर एक यर्निंग पैदा होती नहीं है मुझे भी करना है ये चीज़ ठीक है अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं कुरान जब भी किसी को पढ़ते सुनूँ ना अच्छा ठीक है तो एक बहुत दिल से ख्वाहिश होती है कि यार काश मैं भी ऐसे पढ़ सकूँ अच्छा नॉट टू सो शो ऑफ टू एनी बडी बट जस्ट यू नो यू यू लव इट यारवाज एंड वॉट वॉट मोर ब्यूटिफुल्फ राइट बटन रियलिटी अपनी पता चल जाती है बंदा डर के नमाज भी नहीं पढ़ाता किसी को के कि उनकी भी खराब करेंगे नमाज सो so, अब मसला ये है कि वह सारी तलब ठीक है अल्लाह केव टू बी सेंसिबल टू रियलाइज कि यह तलब का अगला स्टेप फिर कोशिश है right? कि देन आई हैव टू स्टार्ट मेकिंग कोशिश इज़ द सब पार्ट कि दुनिया दारुल असबाब है तो और अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं वह कि इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है उसको वो मिलता है तो अब मैं कहूँ कि मेरे अंदर बहुत तलब है कुरान अच्छा पढ़ने की हर हफ्ते आपको भी आके सुनाऊँ यही बात करूँ और खोल के कभी नौरानी कायदा ना पढ़ूँ एक तो ऐसे तो नहीं हो रहा ना कि उसके बाद मैं अचानक कारी अब्दुल बासित बन जाऊंगा ठीक है आई हैव टू मेक a lot ऑफ एफर्ट फॉर that। तो वो और वो सब है जो मेरे बस में है कि आपको कोशिश करनी तो वो मुझे कुछ अर्सा पहले कोई कह रहा था जी कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा जो बच्चा है ना वो मुफ्ती मैंक बने ठीक है सो वो बहुत अच्छा ख्याल है ठीक है कि आपका बच्चा मुफ्ती मैंक बन जाए फिर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा अगर आप मेरे से दम करवाना चाह रहे हैं तो अगर मेरे पास वो दम होता तो मैं अपने ऊपर कर लेता राइट अब आप चाहते हैं कि आप अरबी जो है ना नुमान अली ख़ान की तरह ठीक है आप चाहते हैं कि कुरान से आपका ताल्लुक डॉक्टर इसरार साहब जैसा हो जाए या जब आप बयान करें तो मौलाना तारिक जमील की तरह आप जो है ना आपके अंदर भी एक वो या जिसको भी उठाए कि इलम आपके पास मुफ्तीता की जैसा हो या आप राजा जयाल्हक जैसे कूल और यो भी हों और इतने जो है ना यूथ में भी रहे तो उसके लिए एक एफर्ट है किसी इन में से के साथ बैठ जाओ जो।, जो भी जिनको आप पसंद करते हैं तो एक एक बड़ी सस्टेंड एफर्ट है राइट वो आठ दस बारह पंद्रह साल की एक कोशिश है और और उस कोशिश में बाय द वे डॉक्टर इसरार साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे उनको ये नहीं पता था कि मैं डॉक्टर इसरार बन जाऊंगा राइट ना ही नुमान अली ख़ान को या किसी को भी ले लो मुफ्ती साहब को यह पता था कि जी मैं ये बन जाऊंगा या राजा जेवलक को यह पता था या तोहे अपने जलील को यह पता था कि मैं लूँगा बस एक कोशिश पर लगे एंड अल्लाह तला ने उनको बस कबूल कर लिया किसी न किसी एतबार से राइट एल्हास दैट टू अंडरस्टैंड कि हम प्रेजेंट करते हैं मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ शायद आप बिकॉज आप लोग अक्सर यूथ क्लब को भी सुने तोहा से मैं जब पहली दफ़ा मिला कुछ अर्से पहले तो हीज हीज हीज़ मच यंगर टू मी यूनि दो तीन साल छोटा है मेरे से थर्टी वन ऐज है शायद यह थर्टी टू उस वक्त जो मुझे बताई थी आई होप कोई इशू नहीं है बताने में बट सो ही सेट के uh, बड़े प्यार से बड़ी हम ही सेट के अरसान भाई मैं जो है ना मैं तो यूथ क्लब मैंने ज्वाइन इसलिए किया था कि मैं बेसिकली जो है ना स्टैंडीज लगाया करता था वॉल्टियर करता था और ये चीज़ें कर रहा था एनी सेट आई डोंट इवन नो कि वेन जिया बाई ट्रेंड ऑल ऑफ आस इनफ कि हमने वो हमें बहाने बहाने से बयान पे भेजना शुरू हो गया ठीक है एंड नाउ बाई द वे इन टर्म्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स आई थिंक ही हैज़ मोर फॉलोअरशिप दैन राजा हक हिमसेल्फ एंड अल्लाह नोज अल्लाह किसको कबूल करते नहीं करते बट वट इज़ रियलाइज वॉट अल्लाह इज पोट इन साइड ऑफ यू and that's just something that you have to present your heart for the दिन and make an effort, थोड़ी 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 करके जो है ना एफर्ट करते रहो फिर सबब के पार्ट तो पहली चीज़ हो गई कि आपने तलब अपने अंदर पैदा की फिर उस तलब के बाद कोशिश अच्छा जितना वक्त तलाव करता है उतनी कोशिश कर लो आई एम नॉट कि तलब पैदा होगी तो आप फैसला कर दिया कि नौकरी भी छोड़ देंगे घर भी छोड़ देंगे बस मौलवी हो जाएंगे छोटी छोटी कोशिश कर लो आप जो आपका टाइम आपको अलाउ कर रहा है जितना आप कर सकते हो कोई वीकेंड दे सकता है वीकेंड देगा कोई हफ़्ते में एक दिन दे सकता है कोई चार दिन दे सकता है पाँच दिन दे सकता है उतना देगा एंड इज नो हरी राइट अल्लाह ताला को कोई जल्दी नहीं है किसी चीज़ की आपने कोशिश इस्तकाम से करनी है तीसरी चीज़ है कि ये समझना कि फिर इस रास्ते में कोशिश के साथ कुर्बानी है ये बहुत सारे लोग ना भूल भु जाते हैं और उस कुर्बानी की सबसे खूबसूरत चीज़ वो हदीसी कुदसी है मनकान्ला ही कान ला अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो शख्स मेरे लिए मन कान अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी देता है कान लहू अल्लाह कह रहे हैं कि मैं उसका हो जाता हूँ तो यू गिव समथिंग ऑफ योर दुनिया फॉर मी अपना टाइम देते हो अपना माल देते हो अल्लाह कह रहे हैं मैं तुम्हें क्या जजा दूँ कान लहू मैं खुद तुम्हारा बन के हो जाता हूँ यू नो रियली इन वन सेंस थिंक अबाउट दिस यू रियली थिंक दिस इज अ ए सैक्रीफाइस ये कोई ये कुर्बानी है अल्लाह की कसम ये कुर्बानी नहीं है कि मेरे आप के रब कह रहे हैं कि तू अपने मेरे दिए हुई नेमत ज़िंदगी में से कुछ अपना वक्त और माल मुझे दे दे तो मैं खुद अपना आप तुम्हें दे दूंगा मेरे बंदे तो हम तो उस पर दीन में बड़े मुजाहिदे हैं बड़ी मुश्किलें हैं कोई बात नहीं को असल में तो कुछ भी वो ज़िंदगी जिस रब ने दी है ठीक है जो अलकादर ज़ात है माल देने वाला वो है इज़्ज़त देने वाला वो है सेहत देने वाला वो है वो कह रहा है कि तुम मेरे दिए हुए से कुछ मुझे वापस करके देखो और मैं तुम्हें उसके वह क्या कुछ इस दुनिया और आखिर में दूँगा तुम सोच ही नहीं सकते मैं अपना आप दे रहा हूँ तुम्हें यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना प्यार आ जाता है मोमिन पे कि रोजे के बारे में क्या कह रहे हैं सौ मूली वाना उजा भी ही रोजा मेरे लिए है और उसकी जजा भी मैं खुद हूँ अल्लाह बट इट्स अजीब कि अल्लाह सुभान इतना प्यार करते हैं एंड यू नो इट्स अबाउट शिफ्ट सो वाई डू पीपल डोंट रियलाइज इट बिकॉज वी आर सो सराउंड बाई दुनिया कि एक नेगेटिव पीयर प्रेशर और घबराहट होना शुरू हो जाती है कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ दुनिया की रेस में बहुत घबराहट होना शुरू हो जाती है यार वो क्या हो जाएगा अगर मैं कहीं रुक गया अब एक बच्चा जो कि पढ़ाई नहीं कर रहा माशाला खुद भी उसको पता है आप उसको कहें कि अच्छा तुम यूनिवर्सिटी ना बीच में से एक साल ऑफ ले लो और तुम दीन पढ़ो वो, खुद हजरत को पता है वो डर के मारे करेगा ही नहीं कभी एक दीन का वैसे खौफ है एक ये कि यार वो जो सारी रोज रेस लगी है ना मैं उसमें पीछे ना रह जाऊँ सो एक प्रस्पेक्टिव बिल्ड हुआ हुआ है जिसको उसको समझना नबी सलाम ने साहबा कराम का ये प्रस्पेक्टिव शिफ्ट किया तो एक सहाबे मक्के से हम हिजरत के बारे में पढ़ते हैं जब सीरत को अनफॉर्चुनेटली ऐसे पढ़ते हैं जैसे सारे परफेक्ट थे वो सीरत की डिटेल में जाओ आपको नज़र आता है यार कि साहबा भी बड़े इमोशनल लोग थे एक दूसरे से कभी कभी नाराज़ हो जाते थे कभी घबरा जाते थे कभी उनके पैर उखड़ जाया करते थे और फिर अल्लाह ताली या नबी आ उनको हिम्मत दे रही थी वेरी ह्यूमन लाइक मच बेटर राइट सो एक सहाबी मक्के से मदीना आते हैं और वो पैदल हिजरत करते हैं एंड ही लॉस्ट एवरी थिंग राइट सो एंड ओबियसली इट्स अ वेरी डेस्परेट स्टेट कि आप इतने तवील सफर के बाद और मैं आपको बता रहा हूँ हिजरत जो है ना बहुत मुश्किल तस्वर था बिकॉज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड राइट नाउ हम इसको समझ नहीं सकते कि हमारे यहाँ माइग्रेशन इज़ बिकम पार्ट ऑफ कल्चर दुबई जा रहे हैं सेटल होने के लिए अमरीका चले जाएंगे वे अरब कबाइल में कोई शख्स अपना शहर और कबीला छोड़ता ही नहीं था राइट अनहर्ड ऑफ

ठीक है हर मेरी जो चीज है मैं आदि तुम्हें दे दूंगा एंड यू नो दैट साहब कि जो मैंने दुनिया का गवाया था वो तो उससे के मुझे वापस मिल गया एंड उसके ऊपर हमारे नबी हमें कहने वाले हैं कि तुम्हें जन्नत भी मिल रही है एंड दैट्स अ वादा दैट्स अ प्रॉमिस दैट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस इज वेल टूडे मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि ये जो दीन पे आने का फियर है शादी नहीं होगी हाँ? जॉब नहीं मिलेगी दोस्त छोड़ के चले जाएंगे राइट जब मैं और तुम 20 बीस 25-25 साल से अल्लाह से नाफ़रमानी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो इतना कदरदान रब है कि फिर भी इज़्ज़त देता है रिस्क देता है ठीक है तालीम देता है अच्छी चीज़ें देता है हम जब उनकी तरफ़ आएँगे तो वह महरूम कर देंगे हर चीज़ से ये बिलीफ है हमारा इतने गुनाहों के बावजूद अल्लाह रबुल्ज़त ने मुझे आपको कितनी आफियत से रखा हुआ तो जब हम उनकी तरफ आएंगे तो वो हमें दुदार देंगे आपको लगता है ये तो मुमकिन ही नहीं है हम तो यानी अल्लाह ताला के लाडले हैं अल्लाह ने हमारे नबी की दुआएं हमारे साथ खड़ी हैं हर तरफ से है सो so, वो वो चीज़ है और तो सहाव कराम की कुर, और कुर्बानी जो है ना उसका ताल्लुक एक्चुअली अमाउंट से है ही नहीं उसका बिकॉज यू नो यू विल लुक एट पीपल गिविंग एंड यू विल सेक्रीफाइस मैं तो ये कर ही नहीं सकता

वो जब आ रहे हैं ना तो यानी एक तरफ हज़ार मन खजूर है ओस्मान रजारण का वो है तो मुनाफिकीन मजाक उड़ाते हैं बट अल्लाह इतने क़दरदान हैं कि हमारे नबी को उनके आने से पहले बता चुके हैं कि अल्लाह के नबी उनको देख के क्या कहते हैं कि भाई अबू वकील की खजूर जो है वो तमाम पे फैला दो कि इसकी वजह से हमें अला बरकत अता करेंगे बिकॉज़ इट वॉज़ दर्ट ऑफ दैट सहाबी दैट अल्लाह तव्ड बिकॉज यू नो हैव टू रिमेंबर अल्लाह रबुलज़त मेरे तुम्हारे देने के मोहताज पहले भी नहीं थे और ना भी Allah क्या क्यामान रसालन की दौलत के मोहताज थे बिल्ला? नहीं अल्लाह तो एक्चुअली देखना चाह रहे हैं कि मेरा ये बंदा जो है वो करता क्या है, है? वो एक सहाबी के बारे में आता है ना कि अल्लाह के नबी ने एक और मौके पर मांगा तो उनके पास कुछ नहीं था राइट रैशनलाइज दिस हम तो नहीं दे सकते तो मैं मैं आई एम नॉट डूइंग इट मैं कहता हूँ न इंस्टीट्यूट को कॉन्ट्रीब्यूट करें आई एम नॉट डूइंग इट वल्ला ही ठीक है सो आप में से आदि नहीं हम तो जो है ना क्या कहते हैं वो है या मैं दीन की किसी जस्ट कॉज फ्लड विक्टम्स या कोई चीज़ के लिए कहता हूँ आधे लोग अपने आप को वैसे ही मुस्तना करके निकल जाते हैं नॉट इवन फीलिंग कि ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम आया था ये साहब ही क्या कर रहे हैं कुछ नहीं है देने को लिटरली हमारे पास तो होता है तो हम बहाने बना रहे हैं कि ये रात सोने से पहले कहते हैं कि है मेरे अल्लाह मेरे पास आपको देने को कुछ भी नहीं है तो चले मैं अपनी इज्जत का सदका कर देता हूँ कि जिस जिस ने मेरा हक मारा है मैं उस इज्जत का सदका करके जो है ना उसको माफ़ कर देता हूँ कुर्बान जाए हमारे दीन पे कि फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी जो है साहबा से पूछते हैं कि कल रात किसने कुर्बानी की थी नो बड़ी द प्रॉफिट कि कल रात किसने अपनी इज्जत की कुर्बानी की थी एंड दिस so कि अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल किया And that's just how we have to understand that every single thing that a companion did was valued by Allah Subhanahu Wa Taala. So why would Allah not value what we're doing? You know the Sahaba are great, but you have to understand they saw the Quran come down. They had Muhammad Sallallahu Wasallam with them to help them to guide them. We are left stranded. We don't have any of that. सो अल्लाह नोज आर स्टेट ही नोज कि आज के बच्चे के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल है मैं उस दिन किसी को कह रहा था कि यू नो एट टाइम्स इंसान का दिल परेशान होता है एंड एन यू कैंट हैश हमारे नबी होते हैं हमारे बीच में कि हम उनके पास जा सकते हैं एंड वी वुड नॉट फीट द फैट कि कोई मुझे जज करेगा कोई मेरे पे फतः अल्लाह की कसम इधर बैठना और ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज तुम लोग मुझे नेक समझते हो आई एम ऑल ऑफ यू And I wish we had the Prophet to go to. And we go, you know, Apna dil halka kar sakte. Because you hear this young companion who walks to the Prophet and he can say, Arsula, give me permission to do zina. And the Prophet doesn't judge him. He brings him closer, makes dua for him, puts his hand on the chest of this man. So you know, Allah, ko pata hai, we miss the Prophet. And I think, I think recognizes, recognizing the fact. कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दिलों में वो टूटी फूटी मोहब्बत रखी है ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हम इस चीज़ से इस कुर्बानी से जो है ना आगे चल सकें और फिर आखिरी जो दो चीज़ें हैं चौथी ये है कि तो तलब हो गई कोशिश हो गई कुर्बानी हो गई चौथी चीज़ ये है कि जब आप ये सब करते हो ना तो शोर नफ़ आपको नतीजे नज़र आते हैं ठीक है नतज से मतलब कि जो भी आप दीन का काम कर रहे हैं आपको शायद चंद लोग आपकी बात सुन लें आप कोई फिलानथ्रोपी के अतबार से लोगों की मदद कर रहे थे तो आपका वो जो एक क्या कहते हैं सोशल वेलफेयर का काम है वो चलना शुरू हो जाए कोई आपने कहीं दर्द शुरू किया था वहाँ जो है ना कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ें नजर आएँ वहाँ से धोखा भी शुरू होता है कि अल्लाह ताला से ना वहाँ कबूलियत मांगनी है काबिलियत को नहीं देखना बहुत लोग ये एक बड़ा स्लिपरी स्टोन है बिकॉज दैट्स वेयर द इम्तिहान स्टार्ट राइट आई मीन यू हैव टू रियली थिंक ऑफ द फैक्ट Ke, what, what good is a cricket player who makes a century and then his team this? There's no point it, right? Compared to the fact that said, 20 -bana ke jata hai, but a match winning knock. Hai. So, what is what is important in Deen is not results. But it's the heart with which we do certain things. Ke, if Allah subhanahu wa ta'ala was to accept that, aksar ek baat to, and, and this is true. Some of us, probably all of us, you know the munafiqeen of the people of प्रॉफिट्स टाइम जो अब्दुल्ला उबाई वो वो हमसे ज्यादा नमाजी थे, fact, दीन जानते भी थे।, कुरान समझते थे। का सबसे निचला दर्जा उनके लिए hmm? इंसान अपने अमल पे क्या रिलाई कर सकता है असल तो खौफ ही यही और ये चीज़ है आप सलफ़ साल की जिंदगी पढ़ें कि क्यों उमर जिसके बारे में नबी आसम कह रहे हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता क्यों वो अपना माथा रगड़ रहे हैं अपने बेटे को कह रहे हैं कि मुझे ज़मीन पर लटा दो के, और कह रहे हैं कि उमर तू हलाक हो जाएगा अगर तेरे रब ने तुझे माफ़ ना किया ही इज़ लुकिंग एट कबूलियत ही इज़ नॉट लुकिंग एट काबिलियत हीबिलियत ही नोज द काबिलियत इज देयर बिकॉज उमर को नहीं पता कि मैंने दस साल में क्या किया है खिलाफत में उमर को नहीं पता उससे पहले क्या किया बट ही स्टिल फियर्स द फैक्ट की कबूलियत के है या नहीं सो वी हैव टू सोट ऑफ बिकम दो पीपल जो बार बार अल्लाह तबूलीत मांग रहे हैं बार बार कबूलियत मांग रहे हैं कि हदीज़ मुबारका का क्या महफूम है कि ऑन द डेजमेंटा कि कुछ लोग ऐसे अमाल के साथ आएंगे कि वो पहाड़ों जितने बड़े होंगे एंड देन दोज दोज अमाल विल डिस जैसे जब आप वो चावल को साफ करते हैं ना तो वह खोशा जो होता है जो हवा में गायब हो जाता है उस तरह उनके अमाल गायब हो जाएंगे एंड सहाबा परेशान होकर पूछते हैं कि यास कौन लोग होंगे तो आपने फरमाया कि तुम्हारे भाई होंगे है बट इनकी जलवत और इनकी खलवत की ज़िंदगी अलग अलग होगी कि ये पब्लिकली एक होंगे और ये प्राइवेटली दूसरे होंगे तो अल्लाह को ये निफाक नहीं पसंद जो ज, 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 जान जो कर ये कर रहे हैं सो so, चौथी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला से हर अमल में रब बना तकब्बल कि अल्लाह ताला कबूल करें हमारी हर चीज़ में जो है ना अल्लाह ताला से कबूलियत मांगनी है एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ थिंग इस दिस के इस सारे प्रोसेस में साथ साथ शुरू में एंड पे अल्लाह ताला से दुआ मांगनी बिकॉज इंसान जो है ना वो अपने सबब को तो देख लेता है बट अल्लाह रब्बुल रबुल्जत कह रहे हैं कि उनकी सुन्नत यह है कि उनको पसंद ही आता है कि जब बंदा मेरे से मांग मांग के चले वक़ाल रब उ दूनी अस्तजब लकुम इन न रबी कि हमारा रब तो दुआ सुनने वाला है और, और दुआ जो है ना बस मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे जो कंट्रोल वाला पार्ट है ना दुआ वो वाद तरीका है जिससे हम अल्लाह रबत को इक्वेजन में रखते हैं बिकॉज है? बाकी तो सारा कुछ जो मैंने कहा तलब है ये काम करना है एफ़र्ट करना है सेक्रीफाइस देना ये दुनिया में है दुआ वो वाद चीज़ है कि जहाँ हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं एंड आप बाय अम्बिया की दुआएँ देखें और खसूस नबी आसम की जो तयफ़ वाली दुआ है मैं हमेशा कहता हूँ उसको बार बार पढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए कि वह माइंड सेट क्या था कि वो वो दुआ कम है और वह बातें ज़्यादा हैं वो अपना हाल पेश करना ज्यादा है राइट सो यू नो इफ़ यू आर मेकिंग दू अम रीजन ट्रेंड इंटू थिंकिंग अल्लाह बे औलादों को औलादे दे कर दे फलाना कर दे रटी हुई दुआएँ लेफ्ट राइट पढ़े मैं भी शायद कभी पढ़ लेता हूँ इट्स मोटैट आप अल्लाह तन ऑफ दुइंग दुआ इज़ दिस कि प्रेजेंट योर सेल्फ़ टू अल्लाह जस्ट यू नो पोर योर हार्ट टू अल्लाह जस्ट लाइक इफ़ विद अ वेरी क्लोज फ्रेंड हु यू कैन ट्रस्ट एंड वो पूछता है कि यार तुम क्यों डाउन हो तो यू डोंट यू यू टेल हिम टेल अल्लाह है हाथ उठा के अल्लाह को बताओ कि अल्लाह आप हर चीज़ से वाकिफ़ हैं आपको मेरी अंदर बाहर पता है आपको मेरी क़़ाएँ पता है मेरे वो 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 जो नबे सलाम क्या कह रहे हैं तयफ पे क्या अल्लाह तौ मैं आपको अपनी कमजोरी पेश कर रहा हूँ है मैं अपनी रसवाई पेश कर रहा हूँ लोगों के सामने मैं अपनी ज़िल्लत पेश कर रहा हूँ मैं मैं सब आपके सामने रख रहा हूँ और सब क्या के कहते हैं कि अल्लाह ताला अगर आप राजी हैं ना मेरे से फ़ला उबाल मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं सो हमारी हर दुआ होनी ये चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यह मेरी हालत है और मैं परेशान भी इस हालत में एक्चुअली आपके लिए हूँ कि आप अगर इस हालत से मुझे निकाल लें और आपकी रज़ा शामिल हो जाए तो मुझे चाहिए मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे से आप कितना दीन का काम लेते हैं मुझे फर्क ये पड़ता है कि आप राजी हो जाएंगे मेरे से क्योंकि वल्ला ही ऐसे नबी भी मौजूद हैं जिन्होंने सौ सौ साल दावत की एंड हैंड जितने तुम लोग बैठे हो ना उससे थोड़े लोग कुल इस्लाम पे दीन की तरफ आए नहीं भी आए दिन की तरफ बट उनके मकाम में जर्रा बराबर कमी नहीं आई बिकॉज अल्लाह तला सबको नहीं देख रहे अल्लाह रबुल्जत इस दिल को देख रहे तो अल्लाह व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमें ये जो पाँच चीज़ें बताई गईं इन पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए हमें जो है दीन के लिए वो सिफ़ात पैदा करने की तौफीक अता फ़रमाए कि ना सिर्फ़ हम दीन और दुनिया में सुरखरू हो सकें बर हम दूसरों के जरिए के लिए एक बायस ख़ैर बने व आखिर उदा वन अलहमद ला रबालमीन दुआ से पहले कुछ देर अल्लाह तला को याद कर लेते हैं अपनी आँखों को बंद कर लें और अपने दिल में जो है बस ये तसवर कर लें कि हम अल्लाह रब्ज़त को याद कर रहे हैं अल्लाह ताली ने कुरान करीम में फ़रमाया फ़ज़ कुरूनी अज़ कुरुकुम कि मुझे मेरे बंदे तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हें याद करूँगा तो कुछ देर के लिए बस सिर्फ़ अपने गुनाहों से तोबा करते हुए इस नीयत के साथ बैठ जाएं कि हमारा दिल अल्लाह ताला को याद कर रहा है और हमारा दिल कह रहा है अल्लाह अल्ला, अल्ला। मेरा दिल मचल रहा है तेरा दर है तेरे डर सागी, मेरा दिल मचल रहा है मैं तेरी नवाजिशों पर खेरा तेरे संग दर पे मरना मैं यही समझ रहा हूँ तेरे दर की है रसाई मेरा दिल मचल रहा है मुझे दर